अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। रोज की तरह आज नया वैकेंसी लेके आया हूँ और आज का जॉब अपडेट करूँगा ये मलेशिया का है, ठीक है। मलेशिया आप लोग को सबको पता होगा, जैसा मलेशिया और सिंगापुर और ब्राउनी, ये मतलब आजू बाजू ये है कंट्री। यहाँ पर जो भी सैलरी होता है वहाँ का जो करेंसी है वो रिंगेट चलता है, ठीक है, मलेशिया के अंदर। तो इसमें जो क्या क्या जॉब है, सैलरी क्या होगा और वीजा जो अभी कंपनी बुला रही है, जो मलेशिया का जो वैकेंसी मैंने अपडेट कर रहा हूँ ये वर्क परमिट वीजा है। और वहाँ पे मलेशिया में बहुत सारे एजेंसी वाले ज़्यादातर विजिट का काम करते हैं, यानी विजिट पे लेके जाते हैं वहाँ पे और फिर इम्प्लॉयमेंट कराते हैं। तो विजिट का तो हम लोग तो विजिट का कोई काम ही नहीं करते, कोई भी जो भी कंट्री का काम करते हैं ओनली वर्क परमिट वीजा पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो मलेशिया का जो भी काम है तो वर्क परमिट वीजा होगा, मतलब इम्प्लॉयमेंट वीजा होगा, कोई विजिट वाला सिस्टम नहीं है। और जैसा मैं पहले मतलब बहुत सारे बंदे को मेरे एजेंसी के थ्रू से जा चुके हैं मालदीव में, तो मालदीव का भी काम चल रहा है। अभी तो फिलहाल मालदीव का काम नहीं है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, तो मालदीव का भी अभी काम आने वाला है फिर से। तो वहाँ पे भी जो भी बंदे गए हैं सब वर्क परमिट वीजा पे गए हैं और उनका फीडबैक वाला वीडियो भी मैंने चैनल पर अपडेट किया हुआ हूँ, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो। और ये जो आज का काम है ये मलेशिया का है, ठीक है, वर्क परमिट वीजा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पहले अच्छे से यहीं पे देख लेना, समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद की सैलरी क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, उम्र कितना चलेगा, पासपोर्ट कौन सा चलेगा, ये सारा डिटेल। उसके बाद मेन होता है कि मतलब डॉक्यूमेंट कैसे कैसे रेडी किया जाता है, डॉक्यूमेंट को मतलब किस नंबर पर कॉन्टेक्ट करूँ, यानी व्हाट्सअप पर पहले भेजने से जल्दी मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा या मेल करने से जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, ये सारा डिटेल बताने वाला हूँ। बहुत से बंदे क्या करते हैं, वीडियो भगा भगा के नंबर ले लेते हैं और नंबर पे आके मैसेज करते रहते हैं, फोन तो ऊपर फोन लगाते रहते हैं, फोन लगा के यही पूछते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोग से कि भाई वीडियो आप देखते हो तो जो भी वैकेंसी आपको टाइटल नाम से लगे कि हाई मेरे लायक है वो आप पहले वीडियो ही देखो। वीडियो अगर पूरा देख लेते हो तो कोई चीज़ आपको पूछने के लायक नहीं रहेगा, कोई शक नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कि अब ये चीज़ के लिए मैं और एक टाइम पूछ के कन्फर्म करूँ, ठीक है। सारा डिटेल्स मैंने बता देता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ जेन्युइनली आप जॉब सर्च कर रहे हो कि मैं इसमें जाऊँ और जल्दी से मेरा सिलेक्शन हो जाए और रिस्पॉन्स मुझे अच्छे से मिले, तो मेन होता है जब भी आप कॉन्टैक्ट करो तो डॉक्यूमेंट के साथ में कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। और आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट होगा आपको मेल करना है, व्हाट्सएप का मैसेज नहीं करना है, मेल करना है। और मेल जब भी, बहुत से बंदे मेल करते हैं खाली सीवी भेज देते हैं, बहुत से पुराने भी बंदे मैं देखा हूँ, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं लेकिन सीवी बना के खाली भेज देते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सीवी अगर इंडिया के अंदर जॉब सर्च कर रहे हो तो सीवी भेजने से काम हो जाता है, जैसे सीवी रिज्यूम जो बायोडाटा होता है। और फॉरेन के लिए अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट भेजा करो, ठीक है। सीवी हो गया, पासपोर्ट तो लाजिम है, पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पेज, फोटो हो गया, मतलब जो भी वीडियो में जो डॉक्यूमेंट बताया जाता है वो डॉक्यूमेंट पहले वो हिसाब से अच्छे से अपना सुनो और समझो फिर डॉक्यूमेंट भेजो, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो आप आज का वैकेंसी है ये मतलब अपना मलेशिया का है, ठीक है। मलेशिया में एक कंपनी है और जिसका नाम है, मलेशिया की जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है FGV, ठीक है। इस कंपनी को इसमें 500 वर्कर का रिक्वायरमेंट है, 500 बंदे चाहिए, वीजा सब रेडी है। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट एडवांस नहीं जमा करना है, आपका वीजा आएगा, वीजा आने के बाद में आप वीजा कॉपी दिया जाएगा, आप वीजा चेक करो और उसके बाद में पेमेंट करोगे फिर टिकट हो जाएगा, कोई एडवांस वैसा नहीं देना है, लेकिन पहले अच्छे से समझ लो। इसमें जो कैटेगरी है वो 500 लड़के चाहिए इस कंपनी को, हेल्पर चाहिए, हेल्पर मतलब एग्रीकल्चर हेल्पर चाहिए, जिसका सैलरी है 1200 रिंगेट, ठीक है, 1200 रिंगेट सैलरी है। और उसके बाद में ड्यूटी 8 घंटे का होगा, ठीक है, 8 घंटे के बाद में आपको 3 से 4 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। कहीं पे भी बंदे जाते हैं, अगर जो कंपनी 150 रियाल ज्यादा देके 12 घंटा ड्यूटी करा लेता है उनमें आदमी ओवर टाइम नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो, 8 घंटे के बाद में अगर डेली तुम 10 घंटा या 12 घंटा का ड्यूटी कर रहे हो तो ओवर टाइम जो होता है 1 घंटे का, अगर 1 घंटा कर रहे हो तो कंपनी 1.5 घंटे का पैसा देता है। फॉरेन में कोई भी कंपनी में जाओ देखो, ठीक है। तो ये सारा चीज ध्यान से सुनना है, मतलब 8 घंटे का आपको मिलेगा 1200 रिंगेट, 8 घंटे के बाद में 3 से 4 घंटा ओवर टाइम होता है। मलेशिया के अंदर 12 घंटा तो चलता ही चलता है, यानी ओवर टाइम तो वहाँ कंपलसरी है। अगर कोई आपका जानने वाने वाला रहता है मलेशिया के अंदर तो आप बात करके पूछ सकते हो, वहाँ 12 घंटा ड्यूटी चलता ही है, यानी 8 घंटा निकाल के 4 घंटा जो ओवर टाइम करोगे तो 1 घंटे का मतलब 1.5 घंटा का पैसा मिलता है। तो यानी 4 घंटा ओवर टाइम करते हो तो डेली आपका 6 घंटा ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर सैलरी आराम से 1800-2000 रिंगेट तक उठ जाता है। 4 छुट्टी होगा, अगर 1 छुट्टी काम कर लेते हो तो आपको
उसका भी अलग से ओवर टाइम आएगा। अगर ओवर टाइम अच्छे से करते हो तो लमसम 2000 तक जाता है सैलरी, ठीक है। इसमें खाना आपको बना के खाना होगा, प्लस हफ्ते की छुट्टी है, और रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, वहाँ पे जो अपना आईडी होता है, और उसके बाद में जितना फैसिलिटी है मेडिकल वेडिकल ये सारा चीज कंपनी देगी। और ये 3 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है, मलेशिया के अंदर 3 साल का एग्रीमेंट होता है। तो 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल एग्रीमेंट पूरा करके आते हो तो आपको अप डाउन टिकट मिलेगा। अगर आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आना चाहोगे तो आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये होता है कि मतलब जब आएंगे तो टिकट आपको लगा के आना पड़ता है। अगर 1.5 साल रह के आते हो तो 1.5 साल में आओगे तो 1 साइड का आपको टिकट लगा के आना होगा, 1 साल का आपको मतलब 1 साइड का कंपनी टिकट देगी, ठीक है। तो इसके अंदर जनरल हेल्पर चाहिए इसको, मतलब वही एग्रीकल्चर। सऊदी के अंदर जैसा एग्रीकल्चर होता है जैतून का और नारियल का, वो क्या बोलते हैं, खजूर का, इसका जो एग्रीकल्चर का काम होता है ना, तोड़ना, पानी डालना, ये सारा काम। ऐसे वहाँ पे मतलब नारियल का जैसा पेड़ होता है वहाँ पे मलेशिया के अंदर, लेकिन रबड़ का मतलब वहाँ खेती होता है। तो नारियल के जैसा फल लगा होता है तो उसको मतलब तोड़ना रहता है, फिर ट्रॉली में रख के फिर गाड़ी में रखना, धरना, ये सारा काम होता है। मतलब काम कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें मैंने सारा डिटेल में आपको बता दिया हूँ। अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो इसके अंदर आपका एक पासपोर्ट, बैकग्राउंड वाइट, और पासपोर्ट का फर्स्ट लास्ट पेज, और वैक्सीन का रिपोर्ट, ठीक है, दोनों का, ये आपको लेके कोई कंप्यूटर के दुकान में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है इसी ईमेल पे स्क्रीन शॉट ले जाना है, और कंप्यूटर के दुकान पे जाके अपना पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज स्कैन करा लो, एक पासपोर्ट साइज का फोटो और वैक्सीन का दोनों डोज का सर्टिफिकेट, ये स्कैन करा के आपको मेल करना है। और मेल में जो भी मेल करेगा उसको बोल दो, मेरा नाम लिख दो और ये किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मलेशिया के लिए ऐसा लिखो, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालो, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं कि मतलब मेल कर देते हैं, कंपनी का नाम नहीं मेंशन करते हैं कि मैं किस में जाना चाह रहा हूँ, और नंबर कॉन्टैक्ट नहीं देते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा अच्छे से आप भेजे हुए हो, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालोगे तो आपको कैसा कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, बार बार कह रहा हूँ, इस काम के लिए जाने के लिए आपको मेल ही करना है। आप चाहे डॉक्यूमेंट ले जाओ, आप पासपोर्ट के दुकान पे वहां से स्कैन करा के अपने फोन के अंदर डालो, और अपने मोबाइल से भी स्कैन मतलब मेल कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट फोटो मोबाइल से नहीं खींचना है, ठीक है। अगर आपको इसमें जाना है तो फिर सारा डॉक्यूमेंट लेकर कंप्यूटर के दुकान पे जाके वहां से स्कैन करके मेल करना है। मेल में सब्जेक्ट में अपना नाम डालना है, और कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, मलेशिया, वो डालना है, और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। डॉक्यूमेंट आएगा, सारा ओके है, तो आपको फोन किया जाएगा कि मेडिकल कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कैसे कहाँ जमा करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। मतलब सर्विस चार्ज पहले बताया जाएगा कि इसमें जाने के लिए टोटल कितना पैसे लगेगा, उसके बाद अगर आप ओके बोल दें तो मेडिकल के लिए आगे बताया जाएगा, ठीक है। इम्प्लॉयमेंट वीजा है, और पैसे कोई भी एडवांस नहीं देना है, पासपोर्ट जमा होगा, वीजा लगेगा, वीजा कॉपी दिया जाएगा, परमिट करोगे फ्लाइट हो जाएगा, ये है प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको जाना है तो जैसे सब बोलो हिसाब से जाकर डॉक्यूमेंट रेडी करो, उसके बाद में कॉन्टैक्ट करो। और कुछ पूछना है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नया नया जॉब अपडेट पाने के लिए। और बाकी का कोई दूसरा जॉब सर्च करो तो पुराना वीडियो भी जाकर देख सकते हो, चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉटल पेज में दे दिया हूँ, वहाँ भी जाकर फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो नया जॉब अपडेट पाने के लिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।